अभी तक इंसान आजिज है। अब आप लोग कहते हो साइंस बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। साइंस तो यहीं धराशाही पड़ी है, यही पता नहीं लगा पाई रूह क्या चीज़ है। कुछ समझ में आ रही है? अभी तक डॉक्टर मर गए, मास्टर मर गए, साइंटिस्ट मर गए, इंजीनियर मर गए, जनाब वाला कब्रों में टैप रिकॉर्डर रख रख के सवालों को रिकॉर्ड करने वाले टैप रिकॉर्डर वाले वो मर गए। न्यूटन मर गया, फरावी मर गया, जासूसी करने वाले मर गए। तो मुझे ये बताओ कि तुम तो कहते हो साइंस बहुत आगे बढ़ रही है, तो ये साइंस वाले तो खुद ही मर गए, तो इन्हें पता नहीं चला कि रूह क्या चीज़ है, किसी को नहीं चला, और बेबस हो गई साइंस भी। इसका मतलब ये साबित हो गया कि सुपर पावर साइंस के पास नहीं है, सुपर पावर अल्लाह ही के पास है। एक साइंस वाले की, एक डॉक्टर की लड़की ने, छोटी सी बच्ची ने ये सवाल किया डॉक्टर साहब से कि खून लाल क्यों होता है। तो डॉक्टर साहब बोले उसमें हेमोग्लोबिन का मादा होता है बेटा, वो लाल होता है। तो बच्ची पूछती है वो लाल क्यों होता, पीला क्यों नहीं होता? तो कहता है कि वो अज्जा जो सूख जाते हैं उनका कलर ऑटोमेटिकली लाल हो जाता है। तो फिर वो कहती है कि ऑटोमेटिकली उनका कलर पीला क्यों नहीं होता? कई सवालों के जवाबों के बाद आखिरकार डॉक्टर साहब को ये कहना पड़ा कि बेटा इसमें अकल का काम नहीं है, कोई और ही है जो इसके पीछे कार फरमा है, और वो अल्लाह की जात है। सुभान अल्लाह, जोर से कहो। सवालों में सवाल, सवालों में इसका एको कम करो भाई। सवालों में सवाल, सवालों में सवाल, सवालों में सवाल, क्वेश्चन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट फाइनल आंसर व्हाट, व्हाट लास्ट रिप्लाई, और वो ये है कि ये अल्लाह ही है। सुभान अल्लाह, एक्टिव करने वाला अल्लाह, डीएक्टिव करने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह, जलाने वाला अल्लाह, रूह की हकीकत को जानने वाला अल्लाह, उसके अलावा कोई जानते ही नहीं, या तो वो जाने या फिर जनाबे वाला उसका महबूब जाने। सुभान अल्लाह। 15वें पारे में मेरा अल्लाह फरमाता है वयसअलूनका अनिर रूह, ए मेरे नबी ये आपसे रूह के बारे में सवाल कर रहे हैं कि रूह क्या है, व्हाट इज सोल, रूह क्या है। लोग पूछ रहे हैं सरकार से कि रूह क्या है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह, अल्लाह हाजी जी आपको सब्र दे। रूह क्या है तो बताओ क्या है भाई। तो अल्लाह फरमाता है कुल, ए महबूब आप फरमा दो, अर्रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है। सुभान अल्लाह, जोर से कहो, और ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें मत करो। वमा उती तुम मिन अल इल्म इल्ला कलीला, और तुम्हें जरा सा इल्म दिया गया है, सारा इल्म अल्लाह के पास है। हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, अभी तुम कैसा कर दोगे, तुम कुछ भी नहीं कर दोगे, तुम्हारे पास है ही क्या ये साइंस, है ही क्या जनाब वाला ये इल्म, है ही क्या ये ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, है ही क्या इल्म, तो जनाबे वाला अल्लाह के पास है। हजरत मोहतरम, यही वजह है कि पूरी दुनिया रूह के और मौत के फलसफे के सामने आजिज है और सरेंडर हो गई दुनिया, और दुनिया को ये पता नहीं चला कि मरता कैसे और जनाब जीता कैसे। फिर भी साइंस पे लोग बड़े भरोसे कर रहे हैं।
कुछ लोगों को तो इतना मतलब साइंस से प्यार हो गया, उनमें से कुछ को मैं भी जानता हूँ, ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरी नॉलेज में हैं, साइंस की बातें करते हैं, हर वक्त साइंस की बातें करते हैं। जैसे वो किताब में कौन सी गुलजारे दबिस्ता थी, कौन सी थी, कश्ती में सफर कर रहे थे, एक साइंस से प्यार करने वाला फलसफा जदीदा से वो इतनी मोहब्बत करता था कि जिससे भी पूछता था वो ये पूछता था कि तुम्हें साइंस आती है, फलसफा आता है, या इंग्लिश में डू यू नो साइंस, जिससे भी बात करता था डू यू नो साइंस, साइंस जानते हो आप, तो बोले नहीं आई है अब नो नॉलेज अबाउट साइंस, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो वो कहता था यू हैव वेस्टेड योर हाफ लाइफ, तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक दिन उसे सफर करना पड़ गया दरिया का, कश्ती में बैठा लिया मल्लाह ने, जब बीच दरिया में कश्ती पहुंची तो तूफान आ गया, आंधी बहुत तेज, कश्ती उलट पलट, डामाडोल, इधर से उधर, यमीन व शिमाल, राइट एंड लेफ्ट। जब जनाब वाला, जब मल्लाह ने देखा कि अब हालात काबू से बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो मल्लाह बोला उन साहब से कि आपको तैरना आता है, तो बोले नहीं मुझे तो तैरना नहीं आता, छटपटा के बोले। तो मल्लाह कूद के बोला उसमें, मैं कूद गया, वो कूदते हुए बोला कि मैंने तो आधी जिंदगी बर्बाद की थी, तुम्हारी पूरी जिंदगी पानी में चली गई। आई हैव वेस्ट हाफ लाइफ, यू हैव वेस्ट, यू कंप्लीटेड द वेस्टनेस ऑफ फुल लाइफ, सारी जिंदगी बर्बाद। कहने का मकसद, साइंसों पे ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, ना मॉडर्नाइजेशन पे। अगर ज्यादा इतरा सको, सीने चौड़े कर सको, अगर सीनों को 72 इंच का कर सको, तो इस बात पे इतराया करो कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम बना के भेजा है, इल्म उसके पास है, ताकत उसके पास है, सुपर पावर वो है, अजल से अब तक जनाबे वाला अगर कोई सुपर पावर है तो अल्लाह की कसम उसके अलावा कोई सुपर पावर नहीं है। मौत आ गई, लोग समझते हैं कि खत्म हो गया, मस्जिदों में ऐलान होता फला का, फला खत्म हो गया, फला साहब खत्म हो गए, फला साहब खत्म हो गए। इमाम साहब भी बिल पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐलान इस तरह के, खत्म हो गए, पता नहीं उन्हें नॉलेज नहीं है। मैंने पूरा कुरान पढ़ के देख लिया, हदीसें पढ़ के देख ली, मौत खात्मे का नाम नहीं है, मौत खात्मे का नाम, खत्म होने का नाम मौत नहीं है। मौत से समाप्ति नहीं होती, मौत से जनाब वाला एम, मौत से जनाब एंड नहीं होता, मौत से जनाब वाला सर्वनाश नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, मौत जनाबे वाला ख़त्म करने का नाम नहीं है, समाप्त करने का नाम नहीं है। हज़रात मोहतरम, फिर मौत है क्या? तो जनाबे वाला अर्ज करना चाहता हूँ सीधे अल्फाज में, मौत समाप्त नहीं करती, मौत एंड नहीं करती, मौत जनाबे वाला किसी का किसी को ख़त्म नहीं करती है, बल्कि जनाब वाला मौत है क्या? तो मैंने हदीस में पढ़ा है मौत ट्रांसफरिंग का नाम है, मौत शिफ्टिंग का नाम है, मौत जनाबे वाला यहां से वहां जाने का नाम है, मौत खात्मे का नाम नहीं है, खत्म होने का नाम नहीं है, बल्कि मौत नाम है दुनिया बदल जाने का। जोर से कहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये मौत क्या है, तो मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं अल मौत जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, मुलुगु बहुत एक पुल है, मौत एक ब्रिज है, एक ऐसा ब्रिज, युसिलुल हबीब इलल हबीब, जो महबूब को महबूब से मिला देता है।
दुनिया बदल गई, कपड़े बदल गए, हालात बदल गए, सीमाएं बदल गई, सरहदें बदल गई, मुल्क बदल गए, बाउंड्रियां जनाबे वाला चेंज हो गई। हजरत मोहतरम जरा तवज्जो चाहूंगा, हजरत दुनिया है भी वो मौजूद है, खत्म नहीं हुआ है, मगर बॉर्डर बदल गए, हुकूमतें बदल गई, कपड़े बदल गए, तवज्जो है, यहां तक के जबानें भी बदल गई, अल्लाह जदा तवज्जो है। आप यहां उर्दू बोल रहे हैं, अरबी बोल रहे हैं, फारसी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, मलयालम बोल रहे हैं, जनाब वाला चंगेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, फ्रंग्रेजी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं जनाब वाला, और बड़े नाम हैं, बड़े इतरा रहे हैं, आई हैव नॉलेज अबाउट यू, वॉट यू डू, यू टॉक गुड, तुम अंग्रेजी बात करते हो, क्या आप जानते हो अंग्रेजी बोलना, बड़े इतराते हैं लोग, मगर जनाबे वाला जिस दिन रूह निकल गई जिस्म से जनाब वाला, अंग्रेजी खत्म हो जाएगी, अंग्रेजी जनाब ऐसे लगेगा जैसे कभी जानते ही नहीं थे, हिंदी खत्म, अंग्रेजी खत्म, पुर्तगाली खत्म, जनाब वाला मुल्क बदलेगा, ऑटोमेटिकली जबान बदल जाएगी, और कबर की जबान सबकी अरबी हो जाएगी, अरबी अल्लाह की जबान है, जोर से बोलो, अरबी अल्लाह की जबान है, अहले जन्नत की जबान है, कब्र में भी सबकी जबान जन्नत हो, जो सबके कब्र में सबकी जबान अरबी हो जाएगी, यही वजह है, अपने आप हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां तो 10-10 साल पढ़ के भी नहीं आती, और जनाब वाला जैसे ही कब्र में सोएंगे अपने आप आ जाएगी, अपने आप अंग्रेजी का पता ही, अंग्रेजी की धज्जियाँ यहीं बिखर गई होंगी, हिंदी के शिराजे यहीं मुंतशिर हो गए होंगे, यहाँ तक के उर्दू के ताने वाने भी यहीं उधड़ गए होंगे, जैसे ही कब्र में सोया फरिश्ते आए, मर रब्बू का अरबी में सवाल, मरा है चाइना वाला, सवाल अरबी में है, मरा है जनाबे वाला अमेरिका वाला, सवाल अरबी में है, मरा है इंडिया वाला, सवाल अरबी में है, मरा है मुसलमान, सवाल अरबी में है, और मरा है गैर मुस्लिम, सवाल अरबी में है, अब जवाब भी अरबी में ही दिया जाएगा, सवाल करने वाले फरिश्ते हैं और जवाब देने वाला चाइना वाला है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अजहरी साहब भी तशरीफ ले आए, तशरीफ रखे, मुफ्ती गुलफाम अजहरी, अच्छा है, अजहर से पढ़ के आए होंगे, यहीं के हैं, ढगिया भी माला माल है, हैं? हाँ मतलब इल्म आलिमों की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो पैसा तो बहुत है, जरखैज जमीन है, मर्दुम खैर है, तवज्जो है तुम्हारी, अपने आप अरबी हो गई, अब फरिश्ते पूरे तेरा रब कौन है जनाब वाला, तो अब वो ये थोड़ी बताएगा हिंदी में, थोड़ी बताएगा कि या अंग्रेजी में माय लॉर्ड इज अल्लाह, अंग्रेजी में नहीं, जवाब भी अरबी में, और वो अरबी में जवाब वो देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह वाला बताएगा मेरा रब, सवाल अरबी में, जवाब, बोनरियां बदल गई, हालात बदल गए, कपड़े बदल गए, लिबास बदल गया, सीमाएं बदल गई, लेकिन मौत खात्मे का नाम नहीं है, दुनिया बदल लेने का नाम है। अब दुनियाएं बहुत हैं जनाब वाला, हम किसी और दुनिया से आए, यहाँ आए थे वो भी एक अलग दुनिया थी जनाब वाला, और फिर उस दुनिया में भी किसी और दुनिया से आए थे वो भी एक अलग दुनिया थी, और उस दुनिया में भी किसी और दुनिया से आए थे वो भी एक अलग दुनिया, देखो पिछली दुनियाओं पे गौर करो, हमसे पहले वाली दुनिया कौन सी थी, ये ढकिया वाली दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ना फतेहपुर वाली, ना मुरादाबाद वाली, ना बरेली वाली जनाब वाला, वो दुनिया कौन सी थी जो यहाँ ढकिया की दुनिया में आने से पहले तुम कहाँ थे, तो हमारी दुनिया थी और वो दुनिया हमारी मां का पेट था, हम अपनी मां के पेट में थे, एक छोटी सी दुनिया थी, उसमें ढकिया नहीं था, ठाकुर द्वारा नहीं था, भोजपुर पीपलसाना नहीं था,
एक छोटी सी दुनिया थी, हम थे और हमारी मां थी, हमारा रब था, गिजा देने वाला मौला, पालने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, पावर वाला अल्लाह, हमारी निगहबानी फरमाने वाला अल्लाह, माँ के पेट में प्रोटेक्शन देने वाला अल्लाह, माँ के पेट में जनाबे वाला गिजाओं के पाइप बनाने वाला अल्लाह, हजारों लाखों करोड़ों पाइप सरों में और आंखों में पर्दे हजारों बना के जनाबे वाला हम सबको मक्खियों से, मच्छरों से, हमारी माँ को तरह तरह की मुसीबतों से बचाने वाला अल्लाह, अल्लाह है, माँ है। माँ के पेट से वाली दुनिया, पहले वाली दुनिया कौन सी है? बाप की पीठ, बाप की। अब बाप की पीठ में थे और बाप की पीठ से पहले वाली दुनिया आदम की दुनिया, तवज्जो है, वहां से चले बाप की पीठ में आ गए, बाप की पीठ से माँ के पेट में आ गए, माँ के पेट से ढकिया में आ गए, फतेहपुर में आ गए, मुरादाबाद में आ गए, और यहाँ से निकले तो जनाबे वाला वो सीधे उधर चले गए, वो भी एक दुनिया है, वो जनाब वाला कब्र की दुनिया है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं आज से आपसे ये कहूं, क्या रे ओ ढकिया वालो, ए लोगो, फतेहपुर वालो, मुरादाबाद वालों, वापस जाओ पिछली दुनिया में, वापस जाओ पिछली दुनिया में, तो खुदा की कसम तुम में से एक भी नहीं होगा जो ये कह देगा नहीं मैं पिछली दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ, कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि वो ये कहेगा नहीं नहीं पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे, ये दुनिया बहुत अच्छी दुनिया है, जिस दुनिया में हम हैं इस दुनिया में हमें आला हजरत मिले। जोर से कहो और तड़प के कहो, इस दुनिया में हमें बगदाद का शहंशाह मिला, इस दुनिया में गरीब नवाज का साया मिला, इस दुनिया में साबिर पाक मिले, इस दुनिया में जलालुद्दीन अलाउद्दीन साबिर पाक मिले, निजामुद्दीन औलिया मिले, इस दुनिया में सुल्तानुल आरिफीन का साया आतिफत मिला, इस दुनिया में हाफिज शाह जमालुल्लाह की करम नवाजी देखी, इस दुनिया में सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का साया आतिफत सर पे साया फिगन हुआ, ना ना ये दुनिया छोड़ के हम नहीं जाएंगे पिछली दुनिया में, पिछली दुनिया में निजामुद्दीन औलिया नहीं मिल रहे थे, पिछली दुनिया में आला हजरत सरकार का नाम भी नहीं सुना था, पिछली दुनिया में निजाम अलाउद्दीन साबिर पाक को नहीं जानते थे, उस पिछली दुनिया में अब नहीं जाएंगे, इस दुनिया में बहुत कुछ मिल गया हमें, आला हजरत का दामन करम मिल गया, आला हजरत जानते हो ना आला हजरत कौन है, जोर से कहो, ईमान बचाने वाला बरेली का अहमद रजा सरकार, कल ही तो था यौम रजा, जश्न यौम रजा में था बरेली में, 10 शव्वाल अल मुकर्रम को पैदा हुए, 10वीं वाले हैं वो 10वीं वाले और बगदाद वाले 11वीं वाले, जोर से, और मदीने वाले, कितना गहरा रिश्ता है। रात मैंने बरेली में यही कहा कि बरेली से बगदाद 3374 किलोमीटर है, मगर कुर्बत इतनी है, एक सीढ़ी का फासला है, वो 11वीं वाला ये 12वीं, वो 11वीं वाला ये 10वीं वाला। और मैंने रात ये बताया था कि बरेली, बगदाद और मदीना, इन तीनों के दरमियान क्या मुनासिबतें हैं, मगर चूंकि आज वो मौजू नहीं है, मेरा मौजू आज अलग है, मगर एक जुमले में बताना चाहूंगा, बरेली वाला पैदा हुआ गौसे आजम के कदमों पर, गौसे आजम पैदा हुए मुस्तफा के कदमों पर, और मुस्तफा पैदा हुए अल्लाह की जात का साया बनकर,
बहुत गहरा रिश्ता है तीनों में। बारहवीं वाला अल्लाह की इज्जत का मजहर बन के दुनिया के पर्दे पे आया, ग्यारहवीं वाला खुद कहता है कुल्लु वलीयिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बद्रिल कमाली। ग्यारहवीं वाले का भी जिक्र कर लो, मौका अच्छा है, आज ग्यारहवीं की रात भी है। अल्लाह मरहूमा की गौसे पाक के वसीले से बख्शिश फरमा दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे दे। मेरा बगदाद वाला गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समादानी शहबादे लामकानी सरकार महबूब सरकार मोहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी इरशाद फरमाते हैं कुल्लु वलीयिन लहू कदमु व इन्नी अला कदमिन नबी बद्रिल कमाली। ओ लोगो, दुनिया का हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा हुआ है और किसी न किसी नबी की जात का साया बन के दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाया है, मगर अगर मुझसे पूछो मैं किसका साया बन के आया दुनिया के पर्दे पे, तो ये लोगो सुन लो गौर से, हर वली किसी न किसी नबी के किसी न किसी नबी की तजल्लियों का मजहर बनकर आया। वह इन्नी आला कदमिन नबी ये बद्रिल कमाली, और मैं बगदाद वाला किसी और नबी के कदमों पे नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के कदमे नाथ पे पैदा किया गया हूं। बारहवीं वाला अल्लाह की जात का मजहर, और ग्यारहवीं वाला मेरे महबूब के कदमे नाथ पे पैदा हुआ। और जनाबे वाला आप दरा बरेली वाले की सुन लो, मेरे आला हजरत जनाब वाला शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आयत मिन आयत रब्बिल आलमीन मौजदा में मौजदात सैयदुल मुरसलीन इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत जनाब कामे बिदात मुहाफिज सुन्नियत जाने दुश्मने जाने जाने वहावियत हुजूर सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी सरकार दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह की कसम दस शव्वाल अल मुकर्रम को दुनिया में वली बहुत हैं, बहुत वली हैं। ये अलाउद्दीन साबिर पाक हैं, वो निजामुद्दीन हैं, वो बंदा नवाज हैं, वो ख्वाजा गरीब नवाज हैं। दुनिया में करोड़ों वली हैं, मगर अल्लाह की कसम चर्चा सबका किया, किसी चर्चा जिसका किया जनाब वाला मेरे आला हजरत ने जनाब वाला बहुत सारे औलिया का चर्चा किया है, मगर बरेली वाला अगर किसी की तजल्लियों में गुम हुआ है तो सिर्फ बगदाद वाले गौसे आदम की तजल्लियों में गुम हो गया है, बगदाद वाले की तजल्लियों में गुम हो गया, बगदाद वाले की रात में और बगदाद वाले की सिफात में गुम हो गया। इसीलिए सारे उलमा का इत्तेफाक है कि बरेली के शहंशाह सैयदना आला हजरत फनाफी गौसे आदम है और गौसे आदम फनाफिर रसूल है और जनाबे वाला बारहवीं वाला आका फनाफिल्ला है। बड़े गहरे रिश्ते। बहरहाल मैं ये कहना चाहता था कि इस दुनिया में हमें आला हजरत मिले, जोर से परेशान तो नहीं हो, अब अगर मैं तुमसे कहूं उस दुनिया में वापस चले जाओ तो बोलेगे ना, ये दुनिया बहुत भली दुनिया है, लेकिन जब तुम यहां से जाओगे मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का पट्टा डाल के कब्र में पहुंचोगे और फरिश्तों के सवालों के जवाब दे दोगे, वो पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, तो तुम कहोगे रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते पूछेंगे माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, तो तुम सीना चौड़ा करके कहोगे दीन अल इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ते तीसरा सवाल करेंगे माँ कुंत तकूल फी हाज़ा रजुल इस पाकीज़ा ज़ात के बारे में क्या ख्याल था तुम्हारा, तो जनाब वाला तुम खड़े होके कहोगे, तुम बैठ के कहोगे, तुम खड़े होके कहोगे, बड़े बादब तरीके से कहोगे कि इनके बारे में पूछते हो, इन्हीं पे मेरी जिंदगी कुर्बान, मेरी रूह कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, ये मुस्तफा जाने रहमत हैं, ये शम्मे बदमे हिदायत हैं, ये आमिना के लाल हैं, ये प्यारे पैगंबर हैं, इन्हीं के लिए तो जीता था, इन्हीं के लिए तो मरता था, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, ये जनाबे वाला वही तो हैं आमिना के लाल जिन्हें अल्लाह अज़्ज़वजल्ला ने पूरी दुनिया की सल्तनत और सारी दुनिया की बागडोर दे के भेजा था, सारे जमाने का सुल्तान आजम बनाया था, ये वही तो महबूब हैं जिनके लिए रब ने पूरी दुनिया को सजाया था, डेकोरेटेड किया था, तवज्जो चाहूंगा जनाबे वाला, ये वही तो हैं जिन्होंने जमाने में आके नए नए रिकॉर्ड बनाए थे जनाब वाला, इनके इनके रिकॉर्ड हैं पूरी दुनिया के पर्दे पे और एक यही हकीकत बन के चमके हैं जमाने में, इनके अलावा दुनिया के पर्दे पे हकीकत है ही कौन। दुनिया में दो ही हकीकतें तो थी, एक हकीकत वो थी जिसने इस दुनिया को पैदा किया था और एक हकीकत ये है जिसके लिए अल्लाह ने इस दुनिया को पैदा किया था।
जमाने में दो ही तो हकाइक थे, तीसरी हकीकत थी नहीं। हजरत मोहतरम ये आमिना के लाल है, ये मेरे महबूब हैं। हजरत मोहतरम बस अनिदा आएगी, मैं सदकाब दी, मेरे बंदे ने सच कह दिया। तवज्जो चाहूंगा, मेरे बंदे ने सच कह दिया है। ए मेरे फरिश्तो, जन्नत की के दरवाजे खोल, जन्नत की खिड़कियां खोल दो, जन्नत की हवाओं को आने दो, जन्नत का बिछौना बिछा दो, और इससे कह दो नम कनाओ मतिल्ला रूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती है। हजरत मोहतरम जहां तक नजर जा रही है कुशादगी ही कुशादगी है, और खुदा की कसम ऐसी हवाएं। अरे तुम्हारी दुनिया की करोड़ों एसियां एक तरफ, और वहां जनाबे वाला उस झरोके का एक मामूली सा झोंका एक तरफ। हजरत मोहतरम क्या मुकाबला है इन करोड़ों एसियों का, दरीचे और झरोके के उस मामूली झोंके से मुकाबला और तुलना क्या है। हजरत मोहतरम ताहद नजर कबर की कुशादगी, कबर को कुशादगी मिल गई, और खुदा की कसम एसियां हैं, बहारें हैं, नजारे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महबूब के लिए रात दिन मरते थे, जिस महबूब के लिए कोई कहता था 100 बार दरूद शरीफ पढ़ के सो जाओ, आज रात में महबूब खुदा का नजारा हो जाएगा। कोई कहता था 101 बार दरूद शरीफ पढ़ लो, महबूब मुस्तफा प्यारे ख्वाब में तशरीफ ले आएंगे। जिसने जो बताया, किसी ने कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लो, महबूब का नजारा सामने आ जाएगा। किसी ने कहा 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ लो, महबूब का नजारा सामने आ जाएगा। हजरत मोहतरम तसल्ली ना मिली तो जनाबे वाला कितने आशिक थे जो अल्लाह की कसम रोज़ा पाक के पास पहुंचकर रोने लगे, या रसूल अल्लाह एक जलवा दिखा दीजिए ना। हजरत मोहतरम कितनों को जलवे नसीब ना हुए, हम इन्हीं के जलवों के लिए तरसते रहे। अरमान था, हसरत थी, और जनाबे वाला ये दिल तमन्नाओं का कब्रस्तान बन गया था, आरज़ुओं का मदफन, कि एक दिन आ जाए कोई सुबह कोई शाम रात का कोई हिस्सा और दिन का कोई पहर आ जाए, जब आमिना के खूबसूरत आमिना के लाल के खूबसूरत चेहरे को देख लें और दिल को करार आ जाए। मगर कभी महबूब का दीदार ना हो पाया, इसी हसरत को लेके कब्र में आ गए, यही आरज़ू लेके कब्र में आ गए। और कब्र में आए हैं तो सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ने हम पे ये फरमाया है, सबसे बड़ा इनाम अल्लाह की तरफ से ये आया है कि आज कब्र में आते ही हमने सारी जिंदगी जिसके लिए आंसू बहाए, सारी जिंदगी जिसको देखने के लिए दुआएं मांगी, सारी जिंदगी जिसके लिए हसरत रखी, सारी जिंदगी जिसको देखने का अरमान था और तमन्नाओं का कब्रस्तान बना के इस दिल को हम कब्रस्तान में दफन हो गए, उस महबूब पाक की पाकीज़ा तजल्लियां कब्र में आते ही हमारे सामने आ गई। ढकिया की जिंदगी में ये नेमत मिल ना सकी, बरेली की जिंदगी में ये नेमत मिल ना सकी, मुरादाबाद की जिंदगी में, मुरादाबाद की दुनिया में ये नेमत मिल ना सकी, दिल्ली की दुनिया में ये नेमत मिल ना सकी। अब अगर कोई तुमसे वहां कह दे कि अब तुम ढकिया की जमीन पर जाना चाहोगे, उस दुनिया में जाना चाहोगे, तो तुम कहोगे नेवर नेवर, वो दुनिया है ही क्या, दुनिया तो यहां है जहां मोहम्मद मुस्तफा के जलवे दिखाई देते हैं, आमिना के लाल की बहारें आंखों से दिखाई देती हैं, मुस्तफा के नजारे हैं, ये बहारें हैं। ये दुनिया छोड़कर हम पिछली दुनिया में वापस जाने वाले नहीं है। मगर ये मजे गुलामों के हैं, तवज्जो है, ये मजे किसके हैं, कलमा पढ़ने वालों के नहीं। कलमा पढ़ने वालों का तो बुरा हाल है, यहां भी पिट रहे हैं वहां भी पिटेंगे, यहां इसलिए पिट रहे हैं कि मुसलमान हैं, और वहां इसलिए पिटेंगे कि मुसलमान थे ही कहां। यहां पिट रहे मुसलमान है, तुम मुसलमान हो, कीड़े मकोड़े हो, मसल दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी बिसात क्या है, मसल दिए गए। यहां इसलिए मसले गए कि मुसलमान थे, और वहां फरिश्ते गुर्द लेके खड़े हैं कि ये थे ही कहां, आ तो जाएगा इधर को। तवज्जो है, अब्दुल्ला का इंतजार हो रहा है।
ना ना रहने दे ना, नारा ना डिस्टरबेंस ना इंटरफेरेंस, कुछ नहीं। अच्छा है कि आप सुनो मेरी बात, मेरी एक बात समझ में आ गई। गुलामों के मजे हैं वहां, कलमा पढ़ने वालों के नहीं। कलमा पढ़ने वाले तो इधर भी मरे उधर भी मरे हैं। बेईमान का जिसके पास ईमान ही नहीं है, जिसके पास ईमान ही नहीं है उसका कम से कम यहां तो भला हुआ। बोले अरे यहां तो उसका भला हुआ, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया ही को उनके लिए जन्नत बनाया, दुनिया ही को। वहां तो पिटाई पिटाई है, और इससे कह दिया था अब्दुल्ला से कि तरह होश में रहिए, होश में रहिए। ये बेहोश हो गया, नाचने लगा, डांस करने लगा, इतनाने लगा, शादियों में नंगा होने लगा जनाब वाला, बच्चों के पैदाइश पे बदमाश औरतों को बुला बुला के डांस करने लगा। और जनाब वाला किसी ने रोका तो मुझे रोक कर तो दिखा दे, मैं सूरमा हूँ। अबे वो सूरमा जो कब्रिस्तान में देख ले तेरे जैसे, सूरमा हजारों से हो गए, कब्रों के निशान भी मिट गए। अबे हमें आंखें दिखाता है, अल्लाह को आंखें दिखाता है। अबे कब्र की दुनिया में सबको जाना है, सब मर गए, धनत्तर मर गए, कलेक्टर मर गए, सब मर गए, कोई नहीं बचा। आज तक का रिकॉर्ड है ह्यूमन हिस्ट्री का, मौत का फरिश्ता किसी के सामने आज तक सरेंडर नहीं हुआ। ताकत वाले मर गए, शान वाले मर गए जनाब, सर वाले मर गए, बड़े बड़े सरों वाले मर गए, बड़े बड़े चौड़े सीनों वाले मर गए, बड़ी बड़ी ताकतों वाले मर गए, हुकूमतों वाले मर गए, कोई बचा हो तो बताओ जनाब वाला, सब मर गए। कब्रस्तानों में जाके देख लो कैसे कैसे सूरमा और कैसे कैसे आसमान से जमीन निकल गई जनाब वाला, सबको जाके देख लो कैसे कैसे धनत्तर थे कि जिनकी उंगलियों से हमेशा धुएं निकलते थे, मगर खुदा की कसम जाके देख लो कब्रों के निशान मिट गए, कुछ नहीं बचा। ए लोगो, मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है। और ए ढकिया वालो, तुम्हें कहने के लिए कह रहा हूं, बताओ इन वहाबियों को, वोट इन इमेज ऑफ होली प्रॉफिट का नारा लगाने वाले इन दरिंदों को, मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत हैसियत को नापने का नापाक सपना देखने वाले इन भेड़ियों को, बताओ इन जालिमों को, मुस्तफा जाने रहमत पर निगेटिव डायरेक्शन ढूंढने वाले इन जाहिलों को, इन औबासों बदमाशों को बताओ कि पूरी दुनिया में, जोर से पूरी संपूर्ण संसार में सिर्फ एक दरबार ऐसा है, पूरी दुनिया में एक दरबार ऐसा है जहां मौत के फरिश्ते को दरवाजे के बाहर वॉच एंड वेटिंग की पोजीशन में खड़ा कर दिया गया कि इंतजार करो। जोर से बोलो, वॉच एंड वेट, बाहर खड़े रहो, वॉच एंड वेट टू ओपन द गेट, बाहर खड़े रहो इंतजार में, महबूब की तरफ से इजाजत मिले तो जाना। जोर से बोलो, जोर से। इससे पहले मौत के फरिश्ते को किसी गेट के सामने खड़ा नहीं किया गया, ना उसके बाद किया गया। दुनिया का पहला रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बनाए ही मुस्तफा ने हैं। आया तो रिकॉर्ड बनाया। जोर से, जब बारह रबीउल अव्वल शरीफ को सरकार तशरीफ लाए थे तो जनाबे वाला पहला रिकॉर्ड था दुनिया का, अल्लाह ने जिब्राइल पाक को ऑर्डर किया, ए जिब्राइल जाओ झंडे लगाओ, तीन झंडे जमीन के जीरो पॉइंट पे झंडा, जमीन के एंडिंग पॉइंट पे झंडा, जमीन के सेंटर खाना काबा की छत पे झंडा लगाओ, झंडा
हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 जनाब वाले 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन कमोबेश दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाए, मगर किसी की पैदाइश पे झंडे नहीं लगवाए गए। ये दुनिया का पहला और आखिरी मौका था जब मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए, रिकॉर्ड बना दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो जिब्राइल झंडे लगा दे, जमीन के जीरो पॉइंट पे लगा, जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा, जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा, ताकि पूरी दुनिया को खबर हो जाए, सारे जमाने को अवगत करा दो जिब्राइल, सारी दुनिया को एहसास हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत। जोर से बोलो, अब सुल्तान आ रहा है जिसका राज गली गलियारों में नहीं चलेगा, सिर्फ अरब में नहीं चलेगा, सिर्फ अजम में नहीं चलेगा, सिर्फ जनाब गली कूचों में नहीं चलेगा, एक खित्ते में नहीं चलेगा, एक हिस्से में नहीं चलेगा, 10-20-50 साल नहीं चलेगा, बल्कि अब वो मेरा सुल्तान आ रहा है जिसका राज 10-20-50 साल नहीं, बल्कि क़यामत तक, जब तक चांद और सूरज की आँखें पत्थर नहीं जाती उस वक्त तक इस दुनिया के पर्दे पर ज़मीन में खुश, आसमान में खुशकी में, तरी में, जंगल में, मंगल में, ऐवान में, बयावान में, जंगल में, आबादियों में, बस्तियों में, वीरानों में, अगर किसी की हुकूमत चलेगी तो मेरे मोहम्मद की हुकूमत चलेगी, झंडा उठेगा तो मोहम्मद का, डंका बजेगा तो मोहम्मद का। बरेली वाले कहते हैं कर्ण बदली रसूलों की होती रही और चांद बदली का निकला हमारा नबी। एक जनाबे वाले एक नया रिकॉर्ड था जमाने के पर्दे पे, और जब वो महबूब आ गए थे दुनिया में, नबी के सगे चचा का बयान है, इजाजत है एक और रिकॉर्ड दिखाऊं आपको, फिर ये रिकॉर्ड दिखाऊं, परेशान तो नहीं हो? गर्मी थोड़ा उलझन में डाल रही होगी, मगर इतनी गर्मी भी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। गर्मी तो तुम देख ना, ये देखो अचानक बोलते बोलते घंटा हो गया, तुम कहो तो खत्म कर लें, ये घंटा कैसे हो जाता, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। मैं हजरत शुरू करता हूँ तमीज से नहीं निकल पाता, घंटा हो जाता। तुम घबरा तो नहीं रहे, मुझे आधा घंटा और चाहिएगा। हाथ उठा के बताओ कितने लोग फेवर में हो? माशाल्लाह सभी लोग फेवर में, खुश रहो, आबाद रहो, दो जहां में शाद रहो। सगे चचा का बयान है, एक नया रिकॉर्ड, एक नया हाई लगाते हैं मुस्तफ़ा, एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं मुस्तफ़ा। हजरत अब्बास का बयान है, आ रहा है पानी, कारी साहब के पानी का, दाने का, सब चीज का ख्याल रखो, ये हमारे सरमाया है, मिल्लत का सरमाया है, और बड़ी खिदमतें हैं इनकी, हजारों हुफाज, हजारों कारी वाबस्ता, माशाल्लाह। और ढकिया वालों की खुशनसीबी है कि ढकिया वालों ने ऐसे इमाम चुने, और ये अल्लामा मौलाना असलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो हस्ती है जिन्होंने ढकिया में इस तरह की रूह फूंकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपका आपका साया सलामत रखे। बैठ जा भाई लल्ला, बैठ जा थोड़ी देर और, बैठ बैठ जा वहीं, बैठ जा। सगे चचा का बयान है, पानी आ रहा है, हाजी जी आप बैठ जाओ, पानी आ जाएगा। सगे चचा का बयान है कि मैं, आप छोटे से थे, पालने में लेटे थे, मैं वहीं खड़ा था पालने के पास, अचानक मेरी नजर चांद पे चली गई तो मैंने देखा महबूब ये चांद एक ही पल में इधर, उसी पल में उधर, इस पल में इधर, उस पल में उधर, हैरत की इंतहा न रही कि ये स्लोली चलने वाला चांद इतना फास्ट कैसे हो गया, इतनी तेज कैसे चल रहा है। अचानक मेरी नजर पालने में लेटे हुए आपकी उंगली पे पड़ गई। सगे चचा का बयान, अल्लाह इस हदीस का सवाब मरहूमा की रूह को अता फरमा। अलमन बलोला में ये हदीस मेरे आला हजरत ने जिक्र फरमाई है, फरमाते हैं
फरमा चचा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी नजर आपकी उंगलियों पे चली गई, मैंने देखा या महबूब जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी आसमान का चांद भी उधर को ही चला जाता था। बरेली वाले कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, और बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बुएं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। अब जनाबे वाला वो रिकॉर्ड की बात जो सुना रहा था, वो रिकॉर्ड की बात ये है, मेरे महबूब फरमाते हैं चचा आपने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? तो मेरे नबी के चचा कहते हैं मुझे नहीं मालूम, अल्लाह जाने या आप जाने। अब जनाबे वाला तुम मचल जाओगे, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। कहाँ गया देवबंदी, इसकी अकल पे बैठ के मातम करने को जी चाहता है। माल अल्लाह कहता गैब नहीं गैब नहीं गैब नहीं। अबे ओ सालिम तरिंदे वैसी दरीदा दैन, गैब किसे कहते? गैब किसी चिड़िया का नाम है, दरो बम का नाम है, गैब किसी लाइट माइक का नाम है, यही जो बचा है गैब किसी और चीज का नाम है। गैब यही तो है कि पालने में लेटे उस वक्त की खबर आज दे रहे हैं। तू दे देगा उस टाइम की जब माँ का दूध पी रहा था, तो तू बता देगा कि माँ का दूध पी रहा था तो अंगूठा चूस रहा था, पाँव का चूस रहा था या हाथ का चूस रहा था, बता देगा? हंसता कैसे था, रोता कैसे था, हाथ का अंगूठा चूस रहा था या पाँव का चूस रहा था, कोई बता देगा? माँ बताती है आगे चल के, बेटे जब तू छोटा सा था तो पाँव का अंगूठा चूसता था। मोहल्ले की औरतें कहती बड़ा भाग्यवान बच्चा है, पाँव का अंगूठा चूसता है, ये माँ बताती है बाद में चल के। मगर इस महबूब की माँ का तो अल्लाह अकबर अल्लाह 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 अल्लाह, 5 साल की उम्र पाक है, बीच बयाबान और बीच जंगल है। हजरत मोहतरम यसरब से तशरीफ ला रही थी, शहजादा मुस्तफ़ा साथ में था। अचानक बीचों बीच जंगल में मुस्तफ़ा जान रहमत की अम्मी जान की तबीयत अचानक जनाबे वाला नासाज हो गई। सहरा है, उड़ती हुई रेत है, और कसम खुदा की मटर भूनती रेत पे हजरत मोहतरम एक शहजादा मुस्तफा, एक उस शहजादा पाक की अम्मी जान हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा, और एक हजरत आमिना की बांदी, 3 नुफूस हैं, अरवाह सलासा, मटर भूनती रेत, चिलचिलाती धूप, सहरा है, बयाबान है, दूर दूर तक जनाबे वाला पेड़ों के भी निशान नहीं है। खुदा की कसम ऐसे बयाबान में अचानक अम्मी जान की तबीयत नासाज हो गई, और ऐसी नासाज हुई, ऐसी नासाज हुई कि मुस्तफा जान रहमत की अम्मी ने एक हल्का सा मामूली साया देखा और उस साये के नीचे लेट गई, और अचानक तबीयत की नासाजी में फरोग होता ही चला गया। तबीयत बिगड़ती रही बिगड़ती रही, यहां तक के जनाबे वाला पूरे जिस्म को जला देने वाला बुखार गालिब आ गया, और मुस्तफा जनाबे वाला हिस्ट्री बताती है रोना आता, ये कलेजे मुंह को आते हैं। आज लोगों पर इम्तिहानों की घड़ी आती है तो लोग डर जाते हैं, अल्लाह हम पर रहम फरमा, कोई जनाबे वालक माज़ल्लाह तरह तरह की बातें अल्लाह के बारे में करने लगता है। अरे ओ आजमाइशों में पड़ जाने वालों, निगेटिविटी देखने वालों, याद रखना निगेटिविटी ही में अल्लाह ने पॉजिटिविटी छुपा रखी है, निगेटिव में पॉजिटिव है। मुस्तफ़ा की जिंदगी को देख लो, कदम कदम पर निगेटिविटी है, मगर अल्लाह की कसम उसी निगेटिव में पॉजिटिव छुपा हुआ है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की लाइफ को देख लो। बहरहाल मेरे लिए ये अलग मौजू है, अगर मैं निगेटिव पॉजिटिव की बात करने लगा तो फिर मुझे 2-4 घंटे उसी काम के लिए चाहिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ 5 साल की उम्र है, मटर भूनती रेत पर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेटी हुई हैं। अरे माओ को मारने वालों, बीवियों की वजह से माओ के दिलों को काटने वाले नौजवानों से कहना चाहता हूं, माओ को सताने वालों, माओ के कलेजे काटने वालों, बीवी को आप आप करके सर पे बैठाकर और माँ को तू तलाक बोलकर माँ के कलेजे को छल्ली करने वाले नौजवानों से कहना चाहता हूं, किरदार देख लो अपने महबूब का, आमिना के लाल का कैरेक्टर देख लो, 5 साल की उम्र, पूरी दुनिया का हाकिम, सरवर कहूं के मालिक और मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़े बेतनाई से बरी, हैरान हूं मेरे
शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, नन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे हाथों से अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, अपनी माँ का सर दबाते चले जा रहे हैं, आंखों में आंसू है, कोई नहीं है दूर दूर तक जनाबे वाला। अब्दुल मुत्तलिब मक्के में है, हजरत खानदान मक्के में है, रिश्तेदार यसरब में है, बीच जंगल में एक अकेला मुस्तफा, हजरत 5 साल की उम्र, मुस्तफा अपने पाकीदा छोटे छोटे हाथों से अपनी अम्मी जान का सर जनाबे वाला दबाते चले जा रहे हैं। अरे माओ के हक को पहचानो नौजवानों, आज बीवियां हो गई हैं तो लोगों ने माजल्ला बीवियों पर, अपनी बीवियों को अपनी माओ पर तरजीह देने की कोशिश की है। मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, याद रखना, माओ को मारने वाले नौजवानों से कहना चाहता हूं, सलासतुल्ला यदखुलून अलजन्ना, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। सरकार ने पूछा, आका ये 3 लोग कौन है जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे? इरशाद फरमाया, मुदमिनुल खमर, शराब का पीने वाला जन्नत में एंट्री नहीं करेगा। आका से पूछा गया, सरकार दूसरा कौन है? इरशाद फरमाया, वल आकुल वालिदैह है, अपनी माँ और अपने बाप को सताने वाला जन्नत में एंट्री नहीं करेगा। पूछा गया, तीसरा कौन है महबूब? तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, वद दयूस, और तीसरा वो है जिसकी बीवी आवारा घूमती हो, बाजारों में घूमती हो, बगैर इजाजत के घरों से निकल निकल के, कभी ढकिया कभी डिलारी, और कभी जनाबे वाला अगतपुर, कभी भगतपुर, कभी भोजपुर, कह के गई थी पीपल थाने को, पाई गई काशीपुर में। जनाबे वाला ऐसी बदतमीज औरतों का जो शौहर होगा, अल्लाह की कसम मुस्तफा फरमाते हैं उसे भी जन्नत में एंट्री नहीं है। इसलिए अपनी औरतों पे जनाबे वाला हम सबको कंट्रोल करने की जरूरत है। माँ बाप को सता, एक बीवी की वजह से माओ को मारने वाला कितना बड़ा बेवकूफ है। बीवी से कहता, आप तशरीफ लाइए, आप आइए, आप, अबे कौन मना करता है, उससे प्यार ना करो, बीवियों से प्यार करो, बीवियों से मोहब्बत करो। बीवी फूल है, सूंघने की चीज है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। आका फरमाते, दुनिया दुनिया कुल्लहा मताओ, दुनिया सारी की सारी बरतने की है, लेकिन खैर मताए दुनिया अलमरअतु सालिहा, दुनिया की सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक बीवी फूल है, सूंघो, बीवी सूंघने की चीज है, सीने से लगाने की चीज है, बीवी बात बात में मारने की चीज नहीं है। हर वक्त बहुत सारे लोग संडियां ही फेर देते हैं बिला वजह, कुछ लोगों ने संडियां ही बना रखी हैं, पहली जनाब वाला पहले ही दिन से संडी तैयार है। जब जरा सी इधर उधर बीवी ने जरा सा भी बिचारी ने कुछ जबान, नमक ज्यादा हो गया तो मार दिया, नमक कम रह गया तो मार दिया। अबे तू बहा मर दे, ये मुसीबत है। बीवियों को मारो मत। हजरत खदीजतुल कुबरा से इतनी मोहब्बत है सरकार को, सुभान अल्लाह, जैसे आप आज तड़प रहे हैं। आपका बयान है, हाजी जी कहते हैं कि जिंदगी में जब से इंतकाल हुआ तब से दिल बीवी की तरफ और ज्यादा खींचा चला जा रहा है। जब कोई चीज नहीं होती है तो एहसास होता है। हजरत खदीजतुल कुबरा से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि हजरत खदीजतुल कुबरा का जब इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, तो पूरा साल आमुल हुज्न घोषित कर दिया गया। और बात यहां खत्म नहीं हो गई, बल्कि परेशान तो नहीं है, अभी बातें बहुत अनकम्प्लीट हैं, बहुत सारी बातें मुझे कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, मुझे 15 मिनट और चाहिए आपके, हाँ इसीलिए 15 मिनट और चाहिए ताकि पूरा 1 बज जाए। खुश रहो, आबाद रहो, और बातें सब जनाबे वाला अधूरी हैं, अभी मैं सबको समेटूंगा। सरकार हजरत खदीजा के पर्दा फरमाने के सालों बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रिकॉर्ड रहा कि मैंने हदीसों में पढ़ा है
कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बकरी वगैरह ज़िबह फरमाते थे और जब उसका गोश्त बांटते थे, अरे इधर देखो यार, अरे पानी छोड़ लल्ला यार, हट रहा बेटे इधर से ले, हम हदीस सुना रहे, अल्लाह इस हदीस का सवाब मरहूमा की रूह को अता फरमाए और उनकी बख्शिश फरमाए और खदीजा के सदक़े में अल्लाह बख्शिश फरमाए। तो सालों बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत जब किसी बकरी वगैरह को ज़िबह फरमाते तो मैंने हदीस में पढ़ा कि उसका गोश्त जब बांटते तो सबसे पहले मेरे नबी हजरत खदीजा की सहेलियों के घर उस गोश्त को भेजते। जोर से बोलो। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा हजरत खदीजा की सहेलियों के पास क्यों भेजते हैं, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों में आंसू आते हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं मुझे खदीजा से बड़ी मोहब्बत है, ताकि खदीजा की रूह को तसल्ली हो जाए मैं उसकी सहेलियों को जनाबे वाला रूह गोश्त वगैरह तकसीम करता हूँ भेजता हूँ। हजरात देखो मोहब्बत का हाल, बीवियों को मानना नहीं चाहिए, बीवियों को मोहब्बत करो, बीवियों से मोहब्बत करना ये नबी ने से, मगर मोहब्बत का ये मतलब नहीं है, तवज्जो है कि बीवी को तो बैठा लिया सर पे और माँ को गालियां दे रहे हैं। हमारे गांव में नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि चल रहा है रिकॉर्डिंग, सास बहू का झगड़ा हो गया। अब मुरादाबाद से जब ये शाम का टाइम पलटे मियाँ मिट्ठू जाके देगा बीवी और माँ झगड़ा कर रही हैं, तो बीवी से बोले, झगड़ा था जोरों पे उस टाइम शबाब पे था, नौजवानी बिल्कुल जवान था, झगड़ा अभी ढला नहीं था बल्कि अभी तो जवानी था। तो मियाँ मिट्ठू बोले अपनी बीवी से, मुरसलीन की अम्मी आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, और ये तो कुतिया भोंक रही है, भोंकने दो माँ कुतिया, ये मुरसलीन की अम्मी आप चुप हो जाइए। अरे ओ कुतिया करने वाले अपनी माँ को याद रख, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो माँ अल्लाह की कसम सर पे बैठाने की चीज है, बीवी बीवी है, माँ माँ है, बीवी का सर्कल अलग है, माँ का सर्कल अलग है, बीवी का दायरा अलग है, माँ का दायरा अलग है। बीवी मर जाएगी दूसरी मिल जाएगी, आज मर जाए कल दूसरी मिल जाए, कल मर जा परसों तीसरी मिल जाए, तीसरी मर जा चौथी कर लो, मुझे घूर के मत देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मरी जाए, अल्लाह सबकी बीवियों की उम्र लंबी करे, हमारियों की भी लंबी करे, तुम्हारियों की भी लंबी करे, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर बीवी आज मर जा तो कल दूसरी कर लो, दूसरी मर जा परसों तीसरी कर लो, तीसरी मर जा चौथी कर लो, चौथी मर जा पांचवी कर लो, ढकिया में ना मिले तो डिलारी से लियो, डिलारी में मिले मुरादाबाद से लियो, मुरादाबाद में नहीं तो रामपुर से लियो, रामपुर में भी ना मिले तो बिहार से लियो, है आखिरी स्टेज है वो, बंगाल से लियो, रोजमर्रा रोज करो, रोजमर्रा रोज करो, मगर अगर किसी दिन खुदा न खास्ता उस पाकीजा सूरत प्यारी मूरत की आंखें बंद हो गईं जिसे तुम मां कहते थे, उस मां की आंखें किसी दिन बंद हो गईं तो लोगों चराग लेकर ढूंढना पूरी दुनिया के पर्दे पे, चराग लेकर गली गली नगर नगर डगर डगर चराग लेकर घूमना डकिया वालों, औरतें बहुत नजर आएंगी, हजारों लाखों करोड़ों औरतें नजर आएंगी, मगर अल्लाह की कसम मां का जलवा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगा, एक इकलौती माँ प्यारी माँ। इसलिए लोगो माओ को मारने वाले मुस्तफा के इस कैरेक्टर को समझे कि पांच का नबी
अपनी माँ के सर को दबा रहा है जनाब वाला, अचानक इफाक हुआ आँखें खोली, हजरत सैयद हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मुस्कुराई और जनाब वर मुस्कुरा के अपने शहजादे को हमारे महबूब को हजरत आमिना ने बीच जंगल में इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे मुझे ऐसा लगता है अल्लाह के हुजूर जाने का वक्त करीब आ गया है मेरे लाल, मगर मुझे कोई टेंशन नहीं है मेरे बच्चे मेरे मोहम्मद, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं बहुत खुश होकर दुनिया से जा रही हूं इसलिए कि मैं अपने पीछे तुझ जैसा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। कौन बताता इसे कि तू कैसे अंगूठा चूसता था? तवज्जो है, तुम अंगूठा चूसते थे बता दो, देवबंदी से पूछ के देख लो, यही देवबंदी जो मुनबी पाक की इमेज को माद अल्लाह सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, इससे पूछ को वे जब तुम माँ का दूध पीता था तो अंगूठा चूसता था या पूरा हाथ निकल जाता था, कोई बता देगा देवबंदी? मगर अब नबी की सुनो, ईमान ताजा करो, आओ भाई शायर इस्लाम तुम आप भी आ जाओ, तवज्जो है आपकी, पूरी हदीस सुना दूं, जरा मचल के सुभान अल्लाह कहो तो मैं हदीस शुरू करूं, माशाल्लाह। अब जरा जनाबे वाले सगे चचा कहते हैं, महबूब जब पालने में थे तो मैंने उंगली की तरफ देखा, जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी आसमान का चंद उधर कोई चले जाता, तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, इधर देखो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, चचा तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चंद चलता था, आगे की खबर भी है? तो चचा कहते मुझे आगे का नहीं मालूम, आप बताइए। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते देखो यही गैब है कि बचपन की बचपन में बता रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं मेरे महबूब, इरशाद फरमाते हैं आगे की खबर ये है, एक नया रिकॉर्ड, कान युहद्दिसुनी व कुंतु उहद्दिसुहु, नया रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड है? कान युहद्दिसुनी व कुंतु उहद्दिसुहु, ए मेरे चचा मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। अरे ऐसा रिकॉर्ड कहीं देखा है तुमने? चांद किसी से बातें करता है? अरे किसी से कर, चांद से तो बहुत लोग बातें कर रहे हैं, नादिर भाई की बीवी भी अपने बच्चों को लेके कभी कभी, मेरी बीवी भी अपने बच्चों को लेके कभी कभी, छोटे बच्चे होते हैं गोद में तो कभी कभी, मैंने भी खुद सुना बेटे वो चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा बच्चों को छुपा रही है, चंदा मामा दूर के, मगर मामा को कोई पता नहीं भांजा किधर है, सब बातें कर रही है दुनिया, चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा, मगर चंदा मामा को किसी की कोई फिक्र नहीं है ना किसी की कोई खबर है। चांद से बहुत लोग बातें करते हैं मगर चांद किसी से बातें, मगर नया रिकॉर्ड ये है, मुस्तफा जाने रहे मत चांद से बातें कर रहे हैं तो बदले में चांद भी मेरे महबूब से बातें कर रहे हैं। आप ढकिया वालों बातें क्या कर रहे हैं? मेरे नबी से किसी ने पूछा या रसूलल्लाह क्या बातें करता था चांद, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते ये बातें करता था मुझसे वह कान यलहीनी अनिल्व का, ये मेरे चचा मुझसे ये बातें करता था कि जब मैं, अरे तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा अल्लाह की कसम मज़ा आ जाए, वह कान यलहीनी अनिल्व का, ये मेरे चचा जब मैं पालने में लेटा जब मैं पालने में लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था, चांद मुझसे कहता था करोना नहीं करोना नहीं करोना नहीं करोना नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे, जरा जोर से कह दो, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। एक नया रिकॉर्ड जनाब वाला, अगर मैं रिकॉर्डों की लिस्ट रखूं तो जनाब तवील हो जाएगी गुफ्तगू, आता है तो नया रिकॉर्ड, खुदा की कसम जमाने में नजरों के सामने है तो नए रिकॉर्ड, और आज अल्लाह की कसम एक नया रिकॉर्ड दुनिया ने देखा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मौत के फरिश्ते अंदर नहीं जाना, अंदर अंदर
मेरे महबूब का दरबार है, मेरा सुल्तान है, मेरा बादशाह है, मेरा किंग है, अंदर मत जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, दरवाजे पर रहना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे, पहले सलामी होगी, दे विल सल्यूट द प्रॉफेट ऑफ इस्लाम, पहला सल्यूट होगा, शहंशाह है, बादशाह है, मेरा महबूब है, पूरी दुनिया का राजा बना के भेजा मैंने, बरेली वाले कहते मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब वही में नहीं मेरा तेरा, राजा है, पहले सल्यूट होगा, बाहर रहना तुम, अंदर जाने की हिम्मत नहीं करना, ये पहला रिकॉर्ड है दुनिया का। सूरमा मर गए, पहलवान मर गए, चौकीदार मर गए, नंबरदार मर गए, जमींदार मर गए, ठेकेदार मर गए, जना वाला बड़ कंट्रैक्टर मर गए, कदावर मर गए, नामवर मर गए, प्रधान मर गए, प्रधान मर गए, मंत्री मर गए, मंत्रियों की पूछे मर गई, कोई बचा? मगर मौत का फरिश्ता जहां रब ने लिखा वहीं पकड़ता है। देवबंदी कहते नबी हमारी तरह नबी, हमारी तरह नबी, हमें अबे तेरी तरह हनुमान मूर्ति पे मरा पड़ा, तवज्जो है, वहीं गिरा पड़ा, और बता देना भी हमारी तरह बे तेरी तरह कम से कम होता ना गिरता, वो तो कह देता घर जाने दे, इज्जत से ही ले जाइए, जंगल में गिरा लिया, खेत में गिरा लिया, जनाब वाला रेलवे ट्रैक पे गिरा लिया, रोड पे गिरा लिया, जहां लिखी थी वहीं गिरा लिया, और जनाब वाला लिखी थी वहां और ये यहां है, तो सेकंडों में हवाओं के रुख पर वहीं पहुंचा दिया। अशरफ अली थानवी को तो जनाब उसका नसीब भी है, देखे नसीब आप, अपने अपने नसीब की बात है, अशरफ अली थानवी को तो वहीं गिरा लिया, कहां गिरा लिया, वहीं गिरा लिया, आजा इधर का, कहते नबी हमारी तरह, हमारी तरह, अबे तेरी तरह, शान देख, अंदर महबूब है, 70,000 आई रैंक अधिकारी फरिश्ते जिब्राइल की कयादत में सलामी दे रहे हैं, मौत का फरिश्ता बाहर खड़ा है, सलामी हो गई। तो जिब्राइल मुस्तफा जान रहे मुझसे अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इन्ना हादा मलकन लबाबे का यस्तादिन मिन का, या रसूल अल्लाह ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा अंदर आने की इजाजत मांग रहा है, इजाजत मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाजत न मिले तो पलट के चला जाए, तो मेरे महबूब को सब कुछ मालूम है, गैब की खबर देने वाला नबी उसे क्या नहीं मालूम है, मगर फिर भी पूछ रहे हैं नबी, कभी कभी इसलिए भी पूछा जाता था कि औरों को भी पता चल जाए, बात सब मालूम है, रात क्या हुआ, कौन से मौलाना बैठे थे स्टेज पे, पता तुम्हें भी है, मौलाना असलम साहब बैठे थे, इमरान हनफी बोल रहे थे, मगर सुबह को चौपालों में जिक्र कभी कभी करते हैं जी, वो जो बोल रहे थे वो टोपी लगा के, वो सफेद कलर का जुब्बा था, वो जो बोल रहे थे कौन थे, पता तुम्हें भी है कौन थे, मगर इसलिए पूछ रहे हो 10 के बीच में ताकि इन्हें भी पता लग जाए, कभी कभी मालूम हो के भी पूछा जाता। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं ए जिब्राइली दरवाजे पे कौन सा फरिश्ता है, तो जनाब वाला जिब्राइल कहते हैं मलकुल लम यस्तादिन क़ब्ल वला यस्तादिन बाद, मेरे महबूब ये वो फरिश्ता है कि इस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाजत नहीं मांगी, ना आज के बाद किसी से इजाजत मांगेगा, या रसूल अल्लाह ये वो फरिश्ता है जो बेटे को बाप से जुदा कर देता और बाप को बेटे से जुदा कर देता, बीवी को शौहर से अलग कर देता और शौहर को बीवी से जुदा कर देता है, अक्का ने फरमाया मौत का फरिश्ता है जिब्राइल, अर्ज करते हैं जी सरकार, इजाजत हो तो आ जाए, तो मेरे महबूब फरमाते मादा तरा या अखी जिब्राइल, जिब्राइल तुम बताओ बुलाऊं ना बुलाऊं, हाय 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 पावर देखो, लोग कहते पावर नहीं है, पावर नहीं है, पावर तेरे बाप को है, अबे पावर किसे कहते हैं, पावर यही तो है कि मौत का फरिश्ता बाहर खड़ा, जिब्राइल कहते इजाजत मिले तो अंदर आ जाए, तो मेरा महबूब कहता तुम्हारी क्या राय है, बुलाऊं या ना बुलाऊं, तो जिब्राइल कहते या रसूलल्लाह मर्जी तो मालिक की है, मर्जी तो मालिक की है,
मगर मैं वो इन्नल्लाह लमुश्ताकुल लिकाए का, मगर अल्लाह तुम्हारी मुलाकात के इश्तियाक में। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया दरवाज़ा खोल दो, इजाज़त दे दो। जनाबे वाला दरवाज़ा खोला गया, इजाज़त मिली, अंदर आए, हाथ बांध कर, नूरानी हाथ बांध कर मुस्तफ़ा जाने रहमत के द्वारे खड़े हो गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में खड़े हो गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया मौत के फरिश्ते ये बताओ तुम रूह कैसे निकालते हो? आसान समझते हैं लोग धोखा देना, आसान समझते हैं चीटिंग करना, आसान समझते हैं कमजोरों के गिरबान पकड़ना, आसान समझते हैं किसी की मेंड काटना, आसान समझते हैं लोग जनाबे वाला लोगों को सताना। अबे कुर्सियों के नशों में पागल मत हो जाओ, जवानी के नशों में चूर मत हो जाओ, माल के नशे में जनाब कपड़ों से बार मत हो जाओ, आसान मत समझो। याद रखना जिसका कोई नहीं होता उसका मेरा अल्लाह है, सब्र करने वाले का अल्लाह है। आसान समझते हैं, इरशाद फरमाया बोल मौत के फरिश्ते कैसे रूह निकलता है। दो मिनट ज्यादा हो गए और अभी बात कंप्लीट नहीं है, मगर साहब माशाल्लाह आप हजरात का भी साहब जवाब नहीं। ढकिया वालों को ये जो मिराज दिया है इसमें हजरत का हाथ है, यहाँ के उलमा का हाथ है। मैं कई बार ढकिया में आया, हजरत कारी साहब कबला बेफजले ही ताला, आपने देखा जब मैं बैठा था तो लोग कम थे, मगर अब जितनी कुर्सियाँ हैं सब कुर्सियों पर लोग हैं बेफजले ही ताला। और इनका ये हाल है हजरत कारी साहब कबला, अल्लाह आपकी तबीयत अच्छी कर दे। अभी ठीक नहीं है तबीयत, शुगर की बीमारी से सेहत थी, जब हम लोग पढ़ते थे तो इनकी सेहत थी। मेरे ख्याल में कुछ नहीं तो 90 या 95 किलो वजन होगा उस टाइम आप, ऐसी सेहत थी इनकी। मगर इस शुगर को भी अल्लाह ताला शुगर करे, इससे बदला ले, अल्लाह ताला शुगर से निजात दे आपको और आपके साथ साथ ईमान वालों को सबको अल्लाह बीमारियों से निजात अता फरमाए और शिफा अता फरमाए। खुश रहो, आबाद रहो। ढकिया में ये मिजाज है हजरत माशाल्लाह, जब भी आ जाओ। नादिर भाई के वालिद साहब के 10वें में आए थे, बहुत मुझसे मोहब्बत करते थे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। और आज आए हैं, इससे बीच में भी अभी मुफ्ती रिजवान साहब ने बुलवाया था कॉन्फ्रेंस में, आपके महल्ले में हाजिरी हुई थी। तो जहाँ भी आए ढकिया में मोहब्बत का इजहार हुआ, मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मगर ज़रा सुनो और सबक हासिल करो। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते कैसे रूह निकालते हो? तो कहता है या रसूल अल्लाह मैं ऐसे रूह निकालता हूँ जैसे किसी कांटेदार पेड़ पर किसी चादर को डाल दिया जाए और या रसूल अल्लाह फिर पूरी ताकत से उसे खींच लिया जाए। तो जब पूरी ताकत से उसे खींचा जाएगा तो जैसे या रसूल अल्लाह वो तार तार बिखर जाती है, ऐसे ही जब मैं रूह निकालता हूँ तो इंसान की बॉडी भी तार तार उधड़ जाती है। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे मुस्तफ़ा, रोने लगे। अल्लाह की कसम मगर मुस्तफ़ा अपने लिए कभी नहीं रोए, कभी नहीं रोए, रिकॉर्ड है। मुफ्ती गुलफाम साहब कभी नहीं रोए, आदम से लेकर ईसा तक 124,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए, सब रोए। मगर किताबों में लिखा है सब अपने लिए रोए हैं, आदम अपने लिए रोए हैं, मूसा अपने लिए रोए हैं, ईसा अपने लिए रोए हैं, दाऊद अपने लिए रोए हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के आंसू अपने लिए हैं। मगर खुदा की कसम मेरा मुस्तफ़ा जब भी तड़पा है तो हमारे लिए तड़पा, जब भी रोया तो हमारे लिए रोया। बरेली वाले कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, आंखों में आंसू आए, तड़प के मुस्तफ़ा ने फरमाया
क्या मेरे गुलामों की रूहें भी तू ऐसे ही निकालेगा मलकुल मौत, ए मौत के फरिश्ते क्या मेरे गुलामों की रूहें भी तू ऐसे ही निकालेगा? तो जनाबे वाला मौत का फरिश्ता अर्ज करता, नहीं सरकार। इरशाद फरमाया कैसे निकालेगा? तो कहता आका जैसे आप फरमाएंगे वैसे निकालूंगा। इरशाद फरमाया तकलीफ ना हो मेरे गुलामों को? तो कहता या रसूल अल्लाह वादा है मेरा, मैं आपके गुलामों की रूहें इस आसानी से निकाल लूंगा जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से गुलामों की रूहें निकाल लूंगा। आमिना के लाल ने इजाजत दी, आजा मेरी रूह को कब्ज कर ले। हजरत मोहतरम रूह को कब्ज किया गया, अल्लाह के हुजूर पेश किया गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मौत के फरिश्ते जा इस रूह को जहां से लेके आया है उससे अच्छे मकाम पे ले जाकर रख दे, दुनिया के पर्दे पे कोई और अच्छा मकाम मिले मुस्तफा के बॉडी से ज्यादा अच्छा, मुस्तफा के जिस्म से ज्यादा अच्छा अगर कोई मकाम मिले तो ले जाकर रख दे। हजरत मोहतरम मौत का फरिश्ता कहता अलैलियन में रख दूं? अल्लाह फरमाता अलैलियन में तो इनके गुलामों की रूहें हैं। वो जनाबे वाला उस मकाम से कहां अच्छा मकाम है, कहां मौला आसमानों पर रख दूं, कहां कदम आ गए हैं इनके, कहां अर्शे आजम पर रख दूं, कहां कदमों ने रौंद दिया है अर्शे आजम को, और ऐसा मकाम ला जो मकाम उससे ज्यादा बेहतर हो जिस मकाम पे ये रूह थी। हजरत मोहतरम अर्ज करता है मौला न जमीनों में न आसमानों में कोई मकाम नहीं मिलता। तो मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता वापस ले जा, वादा पूरा हो गया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वादा पूरा हुआ, इस रूह को वापस ले जा, और वापस ले जाके मेरे महबूब की रूह को वापस मेरे नबी के जिस्म में दोबारा डाल दे। मौत के फरिश्ते उधर रूह को दोबारा डाला गया, इधर नबी के गुलामों ने पुकारना शुरू कर दिया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता था ये दुनिया मौत का फरिश्ता कहीं नहीं झुका है, पहली और आखिरी बार अगर कहीं सरेंडर हुआ है मुस्तफा जाने रहमत के सामने सरेंडर हुआ है, कहीं नहीं सरेंडर हुआ है। इसलिए लोगों मौत की तैयारी करो, मगर याद रखना कब्र में इनाम उसे है जिसकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा है। आखिरी बात एक हदीस और सुनाता हूं, हदीस बड़ी अजीब है, शायद तुम्हारे कानों तक पहुंचाई होगी। अल्लामा असलम साहब ने एक रिवायत है, बेहती में है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात कहता हूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान तो नहीं हो? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने सहाबियों के बीच में झुरमुट में चांद सहाबियों के हाले में इरशाद फरमाते हैं पैगंबर हजरत उमर से, जज़ाकल्लाह बेटा, हजरत उमर से, उमर कौन? नबी के दूसरे खलीफा। उमर कौन? नबी के, उमर कौन? आज की दुनिया के लिए रोल मॉडल। उमर कौन? जिनसे आज भी यहूदियों ईसाइयों के कलेजे पित्ते होते हैं। उमर कौन? जिसके कलमा पढ़ने पर पहली बार नबी को फरिश्तों ने मुबारकबाद दी थी। कौन उमर? जिसने रूम कैसर और किसरा दोनों को तबाह करके तीन का झंडा लहरा दिया था। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। एक दिन हजरत उमर फारूक आजम भी जलवा करें, उस्मान गनी जनाब वाला मौला अली भी हैं, अचानक मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत उमर फारूक आजम से फरमाया उमर मा बालो का या उमर, ए उमर उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा, इदा ता कमल काने, ए उमर उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा जब मोटी मोटी आंखों वाले नीली पीली आंखों वाले दो फरिश्ते तुम्हारे सामने आएंगे जिनके दांत लंबे लंबे होंगे और वो जमीन को चीरते हुए आएंगे जिनके बाल जमीन तक, जिनके बाल पैरों के नीचे तक होंगे। जब वो फरिश्ते तुम्हारे पास आएंगे और आके तुमसे कहेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, मां बालो कया उमर, ए उमर उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा, तो हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया अर्ज की इजाजत है, तो हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह
आप हमें एक सवाल का जवाब दे दें सरकार, आप पे मेरी माँ और मेरे बाप कुर्बान, वो जब वो फरिश्ते आएंगे मेरे पास तो मुझे इतना बता दें कि हमारा और आपका रिश्ता गुलामी और आकाई वाला, मैं गुलाम हूं आप आका, ये रिश्ता मेरा उस दिन रहेगा या नहीं रहेगा? जोर से। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया उमर ये रिश्ता यहां भी है, ये रिश्ता कब्र में भी है, ये रिश्ता हशर में भी है, ये रिश्ता जन्नत में भी है। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह तब तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, इदन लौ खासिमहुमा, या रसूलल्लाह ये रिश्ता जब मेरा रिश्ता मेरी गर्दन में आपकी गुलामी का पट्टा पड़ा होगा तब तो मैं आसानी से निमट लूंगा, इदन लौ खासिमहुमा तब तो मैं आसानी से निमट लूंगा या मुस्तफा। बात आई गई खत्म हो गई, रफा दफा हो गई जनाब वाला, हजरत उमर का विसाल हो गया, पर्दा फरमा लिया हजरत उमर ने लोगों की आंखों के सामने से, जनाब वाला पर्दा फरमा गए। हजरत मुतरम कई काफी जमाना बीत गया, उनके शहजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से किसी ने पूछा, शहजादे से पूछा किसी ने, शहजादे शहजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बयान दिया, बेटे ने बयान दिया क्योंकि उनके सामने की बात थी। तवज्जो चाहूंगा, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, शायर इस्लाम भी तशरीफ लाए बरेली शरीफ से, और आज मैं भी रात बरेली शरीफ में था, रात मेरा नंबर आया था 2 बजे, मेरी तकरीर हुई थी 3 बजे तक, 1:12 हो गए, 3 मिनट में बात को तमाम करूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा 3 मिनट में पूरा करने की कोशिश करूंगा, विल ट्राई। इरशाद फरमाया हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर का बयान है कि मैंने एक दिन अपने अब्बा को ख्वाब में देखा, जब मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा तो मैंने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा क्या हाल है? तो हजरत उमर बोले, अल्लाह ने मुझ पे बड़ा इनाम फरमाया मेरे बेटे। कहा, वो तो मुझे मालूम है कि आप पे इनाम होगा, मगर उस बात का क्या हुआ जो आपने फरमाया था मैं निमट लूंगा? जोर से कहो। तो हजरत उमर फारूक आजम बोले ख्वाब में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कि हाँ उस बात का, आए थे वो दोनों के दोनों, आके मुझे लेटा था, मुझे बैठाया और बैठा के मुझसे बोले मर रब्बो का तेरा रब कौन है? तो मैंने उनसे पूछा मर रब्बो को मा तुम दोनों का रब कौन है, तुम दोनों का रब कौन है? तो वो एक दूसरे को देख रहे थे और ये कह रहे थे मन हादल्लदी यसअलु नसअलुहु व हादा यसअलुना, ये कैसा आदमी है, इससे पूछ रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहा है हम इससे पूछ रहे हैं। वो कहते मर रब का तेरा रब कौन? तो हजरत उमर फारूक आजम फरमाते तुम दोनों का रब कौन है? ये तकरार चलती रही एक दूसरे को देखते रहे, ये कौन है। तो दूसरा फरिश्ता बोला चलो यहां से दाहो आदा उमर वो अब्दो रसूलिल्ला। दूसरा फरिश्ता पहले फरिश्ते से बोला छोड़ो इसे, ये उमर है, मोहम्मद का गुलाम है। और से बोलो यार, और जोर से बोलो, अरे गुलामी का पट्टा गर्दन में है, कब्र में मजा ही मजा है, कुशादा कब्र एसी फेल। अब अगर उस मकाम पे कोई कह दे चलोगे ढकिया वाली दुनिया में, वल्ला ये दुनिया और वो दुनिया जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए मौत नाम खात्मे का नहीं है, मौत नाम दुनिया के ट्रांसफरिंग का है, इसलिए तैयारी करो उस दुनिया को जाना है, इसलिए जनाबे वाला उस दुनिया जैसे काम करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तुम सबके सामने तौबा कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ लूँ आप भी पढ़ लो, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद और सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। माशाल्लाह आप हजरात बहुत अच्छे हैं, अभी तक बैठे हैं, सुनिएगा शायरे इस्लाम को, मजा आ जाएगा।